आज दिनांक 2 जनवरी 2019 को भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मुजफ्फरपुर के गेट पर भारत वैगन लेबर यूनियन मुजफ्फरपुर द्वारा दी जा रही धरने पर बैठे लोगों की मांग है कि 24 श्रमिकों की गैर कानूनी छटनी वापस ली जाए और सभी श्रमिकों को रेलवे में समायोजन करने के लिए दिया जा रहा धरना आज 134वें दिन भी जारी रहा। यूनियन के उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार तिवारी ने 3 फूड रोड फूड फैक्ट्री वजीरपुर बोजा मुजफ्फरपुर में हुए हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखने का प्रस्ताव किया, जिसका 24 श्रमिकों ने धरने पर बैठे उपस्थित सभी लोगों ने यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सभी श्रमिकों का रेलवे में अविलंब समायोजन करो समायोजन करो समायोजन करो। सभी श्रमिकों का रेलवे में अविलंब समायोजन करो समायोजन करो समायोजन करो। सभी श्रमिकों का रेलवे में अविलंब समायोजन करो समायोजन करो समायोजन करो। सभी श्रमिकों का अविलंब क्या आप लोगों का मांग है? हम लोग का मांग है कि आज छटनी ग्रस्त 24 कर्मचारी के समायोजन किया जाए, जिसका आज 134 दिन हो गया धरना पर बैठे हुए। आज तक हमारा सबके कोई खबर कोई खोजने वाला नहीं है, समझे। 28 साल हम लोग नौकरी किए हैं, जो मालगाड़ी के डब्बा बनाए हैं, इसके साथ पहले इसके कोई एक्सपीरियंस हमको नहीं है, इसके बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं है। रोड पर हम लोग को मैंने कह दिया कि जाइए आप लोग छटनी हो गए, एक बार छटनी किया गया है। अक्टूबर में VRS के लास्ट हुआ भी, अक्टूबर में हम लोग VRS नहीं दिए तो नवंबर दिसंबर काम करा कर और 1 दिसंबर के हमारा सबके रिलीज कर 1 जनवरी ये कहाँ से छटनी किया गया है? छटनी किया गया है रेलवे बोर्ड के द्वारा भारत वैगन से। क्या परिचय हुआ? अमरेंद्र तिवारी। किस पद पे हैं? हम फिटर हैं।